नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं जी पुरवैया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिवाली की रात जुआ के अड्डों पर छापेमारी के दौरान नवादा में पुलिस ने फायरिंग कर दी। घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए। इस घटना से नाराज लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सिरदला इलाके के लौंद बाजार में मना करने पर जुआ खेल रहे लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसने बचाव में फायरिंग की। पुलिस फायरिंग में पप्पू कुमार चौधरी उर्फ राकेश की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि गोरेलाल चौहान और उपेंद्र कुमार चौधरी घायल हो गए। घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। लोगों के मुताबिक पुलिस ने अपने घर पर पटाखे चला रहे निर्दोष लोगों पर फायरिंग की। जुआरी तो पहले ही भाग गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया है। वे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। घटनास्थल पर काफी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। आसपास के कई थानों की पुलिस को भेजा गया है। इस बीच पुलिस फायरिंग में घायल दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया के संवाददाता यशवंत जुड़ चुके हैं। यशवंत, बताएं अभी क्या हालात है वहां के? ये हालात है कि सबको रख के अभी लॉन बाजार जो सड़क है वहां जाम किए हुए काफी संख्या में लोग, गांव के लोग जुटे हुए हैं और अगल बगल से जो भी गांव है सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची है लेकिन काफी दूर में पुलिस है। कारण इसलिए कि ग्रामीणों से उन लोग सतना नहीं चाह रहे, चूंकि ग्रामीण काफी उग्र हैं, इसी कारण पुलिस काफी दूर में है, घटना स्थल पर पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। यशवंत, ये बताएं, जो खबरें हम तक आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है, जानकारी आ रही है कि जो लोग जुआ खेल रहे थे उनकी तरफ से भी पुलिस पर फायरिंग की गई। जी, जो भी वहां ग्रामीण अभी आए थे घायल गांव से, उन्होंने बताया कि जो जुआ खेल रहे थे उनसे झड़प हुआ था, उन लोग कोई फायरिंग नहीं किए गए, पुलिस ही फायरिंग किया है। और जो पुलिस फायरिंग किया है वहां निर्दोष लोग खड़े थे उन पर, उनको भी आके गोली लगी है, उनकी मौत हुई है, दो लोग घायल है। पुलिस ने निर्दोष लोगों पर फायरिंग क्यों की? वहां पर जो भी जो जुआ खेल रहे थे, दीपावली का माहौल था और भी गांव के लोग आसपास के लोग वहां पर खड़े थे और इसी में भगदड़ हुआ। जब पुलिस से उन लोग से झड़प हुआ तो भगदड़ हुआ, भागने लगे सारे लोग और जो भी अगल बगल खड़े थे, पुलिस फायरिंग किया तो निर्दोष लोग को गोली लगी। यशवंत आप हमें ये बताएं कि पुलिस ने फायरिंग से पहले क्या वहां मौजूद लोगों को कोई चेतावनी जारी की थी या लाठीचार्ज किया था? नहीं, किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं, ना लाठीचार्ज किया। डायरेक्ट जो जुआ खेल रहे थे उनसे डायरेक्ट झड़प हुआ, बोला कि बंद करो जुआ, जुआ नहीं खेलना, इसी में दोनों में विवाद हुआ। अब विवाद काफी हो गया जिसके कारण गोली चली। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस से कोई बात हुई आपकी इस बारे में? हाँ, पुलिस का ही कहना है कि हाँ ये बात सत्य है कि वहाँ मतलब जुआ चल रहा था जिसमें झड़प हुआ दोनों लोग में, पुलिस और जुआड़ी में, और गोली जो चला वो मतलब जो जुआ खेल रहा था उसी को लगा, निर्दोष को नहीं लगा, पुलिस का ये कहना है। यशवंत, साफ है अगर पुलिस ने जुआ खेल रहे लोगों के ऊपर फायरिंग की है तो जाहिर सी आप कह रहे हैं कि जो लोग जुआ खेल रहे थे वो निहत्थे थे, बिना हथियार के थे, तो पुलिस ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग कैसे की और वो भी ऐसी करते हैं फायरिंग जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है? क्या पुलिस को फायरिंग करने के नियमों का पता नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है? जी, ऐसा तो जो घटना है उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस को जानकारी नहीं है कि मतलब किस दरमियान फायरिंग करना है, कहां हमको फायरिंग करना है, लेकिन मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि घटना यही है कि वो लोग जुआ खेल रहे थे और जाके जुआ को बंद करने के लिए बोला जिसमें जुड़ी और पुलिस में झड़प हुआ, हाथापाई हुई, पुलिस इसी बीच में फायरिंग कर दी जिसमें एक लोग की मौत हो गई, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यशवंत, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता यशवंत जो हमें जानकारी दे रहे थे कि पुलिस ने कैसे फायरिंग की और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो जाती है। जाहिर है लापरवाही बरती गई है, फायरिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया है, निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है।